देशों विदेशों दी खबर देखने लई सबसक्राइब करो साडा चैनल ते बैल आइकन दबाना ना भुलना। अज असी दो तीन मुद्दिया ते स्पेसिफिकली गल करांगे। जे कोविड दी पोजीशन वेखी जाए हजे भी साडे कोल पॉजिटिव जेडे है ओ नंबर ज्यादा ही आ रहा है। पॉजिटिविटी भी जेडी है अपनी 7 या 8% दे विच चल रही है। टेस्टिंग काफी बदी हुई है। इस टाइम अपा करीबन 2600 तो लैके 3000 की टेस्टिंग हर रोज कर रहे हैं। टेस्टिंग करन दा फायदा ही यह है कि टाइम ते केस पता लग जाए, टाइम ते जे केस मिल जाएगा ता उनू आराम नाल ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, वो ट्रीटमेंट तो रिकवर भी हो जाता है, मौतां जेड़ियां है घट हुंदियां ने। इसलिए टेस्टिंग कराना बहुत ही जरूरी है। जे कुछ भी थानू लगता है कि हां कोई सिम्पटम है, चाहे मामूली जिहा शरीर ही टुटिया होए, उनू नॉर्मल ना समझो, वो जरूरी है कि तुसी अपना टेस्ट करा लो। बार बार आई चीज कही जा रही है कि पहले 3-4 दिन जेडे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंदे हैं। जेकर आपा उस टाइम ते सावधानी नहीं वरती ता नुकसान होने दे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। काइंडली टेस्टिंग नू टाइमली कराओ। बार बार सेम गल चल रही है, फिर मैं रिपीट करूंगी, मास्क ना उतारो। जे तुसी वैक्सीनेटेड भी हो ता भी मास्क पाना बहुत जरूरी है। मास्क हाथ धोना ते सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, एदे नाल ही असी मिशन फतेह नू फतेह कर सकते हां। वैक्सीनेशन होने दे बावजूद भी आही सारी प्रोटोकॉल जिहड़े हैं सानू फॉलो करने पैणगे। जब तक ज्यादा तो ज्यादा नंबर च वैक्सीनेटेड नहीं होंगे लोग, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती। जे असी वैक्सीनेशन की गल करिए ता थोड़ा जिहा मैं क्लीयर करना चाहूंगी कि 18 तो 44 साल का जिहड़ा एज ग्रुप है जिदे लई पंजाब सरकार अपने लेवल ते वैक्सीनेशन शुरू करी है, ओदे विच इस टाइम ते कोमोरबिड कंडीशन दे जिन्ने भी लोकी है उन्हां नू वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। असी अपने सोशल मीडिया हैंडल ते भी कोमोरबिड कंडीशन ओ भी सारी हाईलाइट कीती सीगी, एक बारी दोबारा भी हाईलाइट कर दांगे। जेकर तुसी उस कैटेगरी च फॉल करदे हो डॉक्टर दी रिपोर्ट नाल लैके आयो ते थानू वैक्सीनेशन लग जाएगी। इस तो अलावा हेल्थ वर्कर्स ते उना दी फैमिलीज जेड़ियां ने उना नू वैक्सीनेशन लग रही है 18 तो 44 एज ग्रुप दी। कंस्ट्रक्शन वर्कर जेड़े रजिस्टर्ड हैं प्राइमरीली, इवन अनरजिस्टर्ड, उना नू भी असी वैक्सीन लगवा रहे हां। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लई आपा कॉन्ट्रैक्टर्स लई खासकर असी एक मैसेज सर्कुलेट किया सीगा सोशल मीडिया हैंडल्स दे थ्रू कि सानू कॉल या व्हाट्सएप करो, नंबर है 6284999100। एदे उत्ते तुसी कॉल या व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो कि तुसी अपनी किन्नी लेबर दी वैक्सीन करवाना चाहते हो, प्रोवाइडेड ओ कंस्ट्रक्शन लेबर होए, किथे करवाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट परसन जेड़ा है ओदा कॉन्टैक्ट नंबर ते ना, सो दैट साडी टीम थोड़े नाल गल करके वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा दे ते ओ लेबर जेड़ी है वैक्सीनेट हो जाए। नाल नाल काइंडली इंश्योर आह भी करना कि असी इंश्योर कर रहे हां कि हरेक बंदे नू वैक्सीनेशन तो बाद एक पत्ता पैरासीटामोल या डोलो दा जरूर मिले। ए वेखन च आया है कि वैक्सीन लगवाण तो बाद यूजली फीवर आ जांदा है जेड़ा कि 2 दिन लास्ट करदा है। इसलिए सरकार ने आह डिसाइड किया सीगा कि वैक्सीनेटेड परसन नू एक पत्ता पैरासीटामोल दा दिता जाएगा। काइंडली इंश्योर करो कि वह पता थानू मिल जाए। जेकर कोई इशू आए तो जेड़ा व्हाट्सएप नंबर मैं दसिया है ओदे उत्ते तुसी सानू इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। मैं नंबर एक बारी दोबारा रिपीट कर देंदी हां, 6284999100। दूजी गल आपां करांगे जेड़ी इस टाइम पिंडां च टेस्टिंग वधाउण दी गल हो रही है। आ वेखण च आ रहा है कि पिंडां च जेड़े केसिज है वह ज्यादा आ रहे हैं ते ओ लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस कारण मौतां जेड़ियां ने ओ ज्यादा हो रही हैं। इस लई आपा पिछले हफ्ते मैं ते SSP ने सरपंचीज नाल जूम कॉन्फ्रेंस भी कीती सीगी, जिदे विच असीं उन्हां तों ही प्लान बनवाया है टेस्टिंग दा कि अपने पिंड च ओ किस दिन टेस्टिंग करवाना चाहते हैं। बहुत जरूरी है कि तुसी अगे वध के ज्यादा तो ज्यादा नंबर लैके अपने पिंड वालियां दे टेस्टिंग करवाओ। पहले जिन्हां नूं कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं उना दी टेस्टिंग पक्की हो जाए। दूजा जेड़ा थानू लगदा है कि आ सुपर स्प्रेडर हो सकदा है ओदी टेस्टिंग पक्की हो जाए।
प्लान साडा बन गया है, वो असी टेस्टिंग जेडी है अकॉर्डिंग टू सरपंच शेड्यूल कल तो शुरू भी हो रही है। यह जेड़ा कैंपेन है 15 दिनों तक असी वॉर फुटिंग पेस से करना है ताकि असी रूरल एरिया दी जेड़ी पॉजिटिविटी बढ़ रही है उनू रोक सकिए, जेड़ी उथे मौतां हो रही है उन्हां नू कंट्रोल कर सकिए। मैं फिर गुजारिश करूंगी पिंडां च हजे भी जेड़े लोकल डॉक्टर या कैमिस्ट हैं तुसी उन्हां तों मेडिसिन लै लैंदे हो, आही सोचते हो मौसम दा बुखार है या पिंड वालियां दी इम्यूनिटी थोड़ी होर स्ट्रांग होंदी है, उन्हां नू लगदा है कि यह तां इस तरह ही चल रहा है, शरीर शुरू इस तरह ही टूट रहा है। पहले 3-4 दिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, उहदे विच अपना ख्याल रखो, टेस्टिंग करो। तीजी गल आ गई कि दुकाना खुलन दा टाइम, क्योंकि हाँ बार बार डिमांड आ रही सी कि दुकाना जिहड़ियां ने ओपन टाइम ते खोलियां जान, इसलिए हुण असी टाइमिंग जिहड़ा है 8 तो लैके 1 बजे तक दा दुकाना दे खोलन दा करता है, जिस सारी दुकाना जिहड़ियां है चाहे वह असेंशियल कैटेगरी च आंदी है चाहे नॉन असेंशियल कैटेगरी च आंदी है वह खुलनगियां, एक्सेप्ट दोज जिहड़ी सरकार ने बंद कीती हुई है जिवें स्पाज हो गए जिम्स हो गए, वह लिस्ट नाल ही नत्थी कीती हुई है ऑर्डर च तुसी पढ़ी गई हुई है, वह इंश्योर करो कि उसे टाइम ते दुकान खुले ते टाइमली बंद भी हो जाए। आह जेडे लॉकडाउन मेजर्स हैं एदे नाल ही असी थोड़ी रोकथाम कर पावांगे, जिन्नी जल्दी रोकथाम हो जाएगी उन्नी जल्दी जिंदगी नॉर्मल आ सकती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुसी टेस्टिंग वैक्सीनेशन ते लॉकडाउन मेजर्स नू प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो। एक चीज मैं होर दसना चाहूंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का सैकेंड डोज का गैप जेड़ा है वो 12 to 16 हफ्ते करता है, जिहड़ा कि पहले 6 to 8 हफ्ते का सीगा, ते इस लई जिन्हां दी सैकेंड डोज हजे ड्यू है ओ मैक्सिमम इनफैक्ट ऑल पीपल उन्हां दा हुण जुलाई जून मिड तों बाद ही सैकेंड डोज ड्यू बनेगी, ते काइंडली ओहदे लई हैल्थ फैसिलिटीज नूं ओवरबर्डन ना करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी क्लीयर कट एहदे विच गाइडलाइन आ चुकी है कि हुण कोविशील्ड जिहड़ी है सैकेंड डोज 12 to 16 हफ्तियां दे विच लगेगी। सो मैं यही कहूंगी कि तुसी काइंडली एज पर द वैक्सीन अवेलेबिलिटी वैक्सीनेशन जरूर कराओ, एदे विच किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, हल्का मामूली बुखार ही यूजली है वह भी ठीक हो जाता है, बट इस टाइम ते सब तो पावरफुल टूल अपने कोल वैक्सीनेशन है। जद वैक्सीन घट सी आपां बार बार कह रहे सीगे कि वैक्सीन ज्यादा सीगी असीं बार बार कह रहे सीगे तुसीं आओ, हुण इस टाइम वैक्सीन घट है, जद मिलदी है लगवाओ, जिन्नी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी जिन्नी जल्दी वैक्सीनेशन ज्यादा लोगों च परकुलेट होएगी वी विल बी एबल टू कंट्रोल कोरोना वायरस। थैंक यू।